बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि एंटी रेप बिल पेश करेगी आज ममता बनर्जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। बस कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। रेप मामले में दरअसल मौत पर सजा का प्रावधान किया गया है, मौत की सजा का प्रावधान, और प्रारंभिक जांच 21 दिनों में पूरी करने का प्रावधान रहेगा। तो एंटी रेप बिल अब पेश कर रही है सरकार, कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो विधानसभा में आज इस सत्र का जो दूसरा दिन है कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो कानून लाया जा रहा है रेप को लेकर, बहुत ही सख्त कानून। आपको पता है कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, वहां पर ममता सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसे में आप देख रहे हैं नया कानून लाने की तैयारी सरकार की। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ कोलकाता से मनोज्ञा लोयवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं। तो मनोज्ञा, कुल मिलाकर अब एक तरीके से ममता बनर्जी इस कानून के जरिए ये दिखाने का प्रयास करती हुई दिख रही हैं कि हम बहुत सख्त हैं ऐसे मामलों को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जिस तरह से विधानसभा में एक नया बिल ला रही है, अपराजिता नाम दिया गया है इसको, और उसके साथ जो जो परिवर्तन किए जाएंगे उसमें सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही साथ सजा को करीब 3 से 6 महीने रखा जाएगा, और ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी अगर बलात्कारी है तो उसे जितना समय मिल जाता है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है, लेकिन उसके साथ दूसरा पक्ष ये भी होता है कि अगर केंद्र ने कानून बनाया है तो उसमें राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी सवाल उठ जाते हैं कि कितना कारगर होगा ये। मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, सवाल उठा रहे हैं और स्लोगन्स दे रहे हैं, और छात्र एक साथ यहाँ पर खड़े होकर मांग भी कर रहे हैं। कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, रात से जब शाम के वक्त हम लोग लाल बाज़ार पहुंचे थे तो हमारा डिमांड सिंपल था कि हम लोग बेंटिक स्ट्रीट तक जाएं, लाल बाज़ार का जो ऑफिशियल जगह। उन्होंने कहा आपसे मिलेंगे, 20 लोग मिलेंगे, अभी तक क्यों क्या? नहीं, 20 लोग हमारे जो ये थे डेलीगेट्स, वो जाकर मिलने की बात थी, पर हम लोग रैली जो है वहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, वो अलाउ नहीं कर रही है। बैरिकेडिंग किस लिए? आगे धारा 163 ये सब एक्सक्यूजेज हैं, ये सारे लोग डॉक्टर्स हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, हम लोग का कोई और मोटिव नहीं। यहाँ पर तिरपाल लगाए जा रहे हैं और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लगातार, छात्र यहाँ पर कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। आज भी लगभग दिन भर की तैयारी दिख रही है अखिलेश, ये देखिए आपको मैं, और दूसरी तरफ किस तरह से किला दुर्ग बना दिया गया है पूरे लाल बाजार को। ये करीब 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से लाल बाजार, और लाल बाजार कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, ज्वाइंट CPS के लेवल तक के अधिकारियों की तैनाती है यहाँ पर, और जो पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है लोहे से, और उसके साथ साथ जो तैनाती है आपको वो दिखा देगा कि एक ओर यहाँ पर दुर्ग बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर असेंबली में आज नया बिल लाया जा रहा है जिसमें अपराजिता के नाम से महिलाओं को सम्मान और कम से ठीक है। मनोज्ञा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आगे इस पर और ज्यादा डिटेल जानकारी आपसे हम लेंगे। दरअसल एक और अहम खबर दर्शकों तक पहुंचा दें कि आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। CBI ने दरअसल संदीप घोष को कल गिरफ्तार कर लिया था, वित्तीय गड़बड़ी का जो मामला है, इस मामले में संदीप घोष अरेस्ट हुए हैं। संदीप घोष के साथ 3 और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो कल CBI ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था, वित्तीय गड़बड़ी के उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से यह पूरा गड़बड़ झाला चल रहा था। संदीप घोष के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके हैं संदीप घोष, जिनसे CBI ने लंबी पूछताछ की है, कई घंटों की पूछताछ, और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है।